बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू लैब नंबर 5 ऑफ द कोर्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इन टुडेज लैब वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑपरेशन ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर, एंड हियर यू कैन सी द मेन सर्किट ऑफ द ब्रिज रेक्टिफायर। सिमिलर टू लैब नंबर 4, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ दिस रेक्टिफायर हियर, बट वी आर गोइंग टू एम्फसाइज ऑन द ऑपरेशन, आई मीन practical operation. अच्छा, we are actually going to use the same transformer as we used in lab number 4, that was a center tap transformer, but please try to observe that we are not going to use the center tap wire that we used in the previous lab. ठीक है, सेम ट्रांसफार्मर यूज़ होगा लेकिन वो जो सेंटर वाली वायर है वो यूज़ नहीं होगी। देर विल बी वन एडवांटेज, उसका एडवांटेज ये होगा कि देखें इस पिछले ट्रांसफार्मर की जो कॉर्नर वाली जो रीडिंग्स थी कि ये ट्रांसफार्मर कितना सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सर्किट को, ये सारी रीडिंग्स हमारे पास ऑलरेडी नोन होंगी। बहरहाल लेट अस रीकैप के ये सारी रीडिंग्स आपने कहाँ से हासिल करनी थी। इनपुट टू ट्रांसफार्मर दैट विल ऑफ कोर्स बी कमिंग फ्रॉम द एसी आउटलेट ऑफ योर होम्स, जिसकी वैल्यू हमें ये पता है कि 220 वोल्ट आरएमएस होती है। तो ट्रांसफार्मर का इनपुट 220 वोल्ट आरएमएस ये है। प्लीज़ रिमेंबर कि मैंने बताया था कि दिस वैल्यू विल बी वेरी हाई, सो इट्स बेटर नॉट टू ट्राई टू चेक दिस फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ एनी ऑसिलोस्कोप और एनी मल्टीमीटर। हम इस डायरेक्ट मेन्स वायर के ऊपर काम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जो भी ये वोल्टेज मेरे पास अवेलेबल है, इसी से मैं पीक टू पीक वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट कर लूँगी। वो कैसे कैलकुलेट करूँगी, ये प्रीवियस लैब में मैंने मेथड बता दिया था, ये आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ये तकरीबन 622 के करीब कोई वैल्यू आ रही होगी दैट यू कैन कैलकुलेट। इसके लिए आपको लैब 4 की वीडियो देखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में आ रही है दैट यू शुड नो इस 50 हर्ट्स, ये भी हमें पता है। और चूंकि हमारे घरों में जो मेन वायर से सिग्नल आ रहा है दैट्स अ साइन वेव, इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज, द मीन विल अप्रॉक्सीमेटली बी 0 वोल्ट। तो ये रीडिंग्स के ट्रांसफार्मर को इनपुट हमारे घरों से क्या मिल रहा है दैट वी ऑलरेडी नो। एट द सेम टाइम ट्रांसफार्मर क्या आउटपुट दे रहा है वो मुझे क्या करना है, मैं ये सर्किट कनेक्ट करने से पहले, ये पूरा पोर्शन कनेक्ट करने से पहले ट्रांसफार्मर को प्लग इन कर लूँ और सिर्फ दोनों कॉर्नर वाली वायर्स को लेकर देख लूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या आउटपुट इस सर्किट को देने वाला है। ये चीज़ भी मैं प्रीवियस लैब में मेजर कर चुकी थी, इसलिए मैं दोबारा मेजर करके यहाँ नहीं दिखाऊंगी। मैं डायरेक्ट जो रीडिंग्स थी प्रीवियस लैब की वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। अगर याद हो तो मुझे इतना ज़रूर याद है कि यहाँ पे लास्ट लैब की जो भी रीडिंग थी वो अब हम लोगों ने देख ली है, मैंने वहाँ से देखकर ये सारी यहाँ लिख ली हैं। आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी टू इम्प्लीमेंट द सर्किट। अब देखिए सर्किट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। मैं इस वाले कनेक्शन को इग्नोर कर दूँ, दो डायोड्स लगाऊँ, इन दोनों की बात कर रही हूँ, एक के नेगेटिव टर्मिनल पे दूसरे का पॉजिटिव टर्मिनल हो, ये रहा, ये टर्मिनल खाली छोड़ दूँगी फ़िलहाल। अभी दो डायोड सीरीज़ में एक तरह से लगा दूं, फ़िलहाल अभी सीरीज़ में नहीं है, कि एक डायोड के नेगेटिव पे दूसरे का पॉजिटिव आ जाए। फिर ऐसा ही एक और कनेक्शन करूं, पॉजिटिव टर्मिनल डायोड का हो, नेगेटिव पे दूसरा डायोड लगा हुआ हो, इसको भी खाली छोड़ दूं और इन दोनों को मैं कॉमन कर दूँगी। फिर इन दोनों को कॉमन कर दूँगी, जहाँ पर इन दोनों का मिडल वाला कनेक्शन होगा इन दोनों के ऊपर हमें ला के ट्रांसफार्मर की वायर देनी है और इन दोनों के बीच के अंदर हमें जो है वो रेजिस्टर को कनेक्ट करना है। सो लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस स्टेप बाय स्टेप। अच्छा देखें, जिस तरीके से मैं इस सर्किट को इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप भी एग्जैक्टली इसी मेथड से उसको इम्प्लीमेंट करें, बट मैंने क्या मेथड फॉलो किया है, देखें मैंने अभी बताया था दो डायोड्स को सीरीज़ में लगा देना, यानी कि एक के नेगेटिव के ऊपर दूसरे का पॉजिटिव हो,
फिर इसी तरह से इसमें भी यही है कि ये दो डायोड सीरीज़ में हों, इसके नेगेटिव के ऊपर दूसरे का पॉजिटिव हो। ये कनेक्शन मैंने कैसे किया, ये मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, पहला डायोड लगाया इसका पॉजिटिव, ये इसकी सिल्वर लाइन मिट गई है, ये नेगेटिव है। ये एक डायोड लगाया इसके नेगेटिव पे दूसरे का पॉजिटिव आ गया, ये कनेक्शन यहाँ के ख़त्म हो गया। इन दोनों डायोड को देखें, ये दोनों आपस में सीरीज़ में लगाए हुए हैं, इसका ये नेगेटिव है और ये इसका पॉजिटिव है, छोड़ दें। अब इसको नीचे से देखना शुरू करें, इस वाले कनेक्शन को मैंने नीचे से बनाया है कि ये डायोड पॉजिटिव, इसके नेगेटिव के ऊपर इस वाले का पॉजिटिव लगा और इसका पॉजिटिव आके जाके जुड़ गया इस वाले से। क्योंकि क्या किया मैंने, मैंने ये कनेक्शन कर लिया है, ये कनेक्शन कर लिया है और मैंने ये कनेक्शन कर लिया है। अलबत्ता इन दोनों का ये जो टर्मिनल है ये कॉमन है, ये देखें ये मैंने किया है, ये दो सीरीज़ में थे, इनका ये कॉमन टर्मिनल और ये सीरीज़ में है और इनका ये कॉमन टर्मिनल, ये तो टर्मिनल कॉमन हो गया इनका, लेकिन ये वाला टर्मिनल इनका कॉमन नहीं हुआ है। क्योंकि मैंने ये चीज़ किसी और लाइन से शुरू की हुई है और मैंने ये चीज़ किसी और लाइन से शुरू की है। इसको कॉमन करने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि इन इसके पॉजिटिव को और इसके पॉजिटिव को किसी एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देती हूँ ताकि ये कॉमन हो जाए। क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गए, मैंने ये सेट कहीं और बनाया, मैंने ये सेट कहीं और बनाया, दोनों के एंड्स को जोड़ दिया, वो ये रहा सेट नंबर वन, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है। सेट नंबर टू यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और ये यहाँ ख़त्म हुआ, ये दोनों के एंड्स कॉमन आ गए। ये एंड और ये एंड कॉमन होने थे, जो मैंने नहीं किए हुए तो मैं इसको भी एक वायर की मदद से शॉर्ट कर देती हूँ। अच्छा, मज़ीद और देख लें क्या, जहाँ पर ये दोनों जुड़ रहे हैं इन दोनों के सेंटर पे ट्रांसफार्मर की वायर आएगी, जहाँ ये दोनों जुड़ रहे हैं इन दोनों के सेंटर पर ट्रांसफार्मर की वायर आई थी। ये कनेक्शन भी हम साथ साथ करते हैं। अब इस कनेक्शन को थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है। ये जो सबसे ऊपर वाला कनेक्शन था ये, और ये जो सबसे आखिरी वाला कनेक्शन था ये, इन दोनों को कॉमन होना था, ये मैंने एक लाइन में लाके लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद ये कि जहाँ ये दोनों डायोड जुड़ रहे थे इनके बीच में ट्रांसफार्मर की एक वायर आनी थी, ये देखें ये ट्रांसफार्मर की एक वायर आ गई यहाँ से, ये रही। जहाँ ये दोनों डायोड जुड़ रहे थे एक और ट्रांसफार्मर की वायर आ गई, वो ये रही। और ये दोनों ट्रांसफार्मर की कॉर्नर वायर है, सेंटर वायर को मैंने पहले ही अलग करके पीछे हटाया हुआ है, ठीक है। सिर्फ अब हमारा रजिस्टर लगाना रह गया, ज़रा देखते हैं रजिस्टर को, देखें कि रजिस्टर को लगेगा कहाँ, जहाँ दोनों सेट्स का सेंटर है, जहाँ दोनों सेट्स का सेंटर है, रेजिस्टर का एक टर्मिनल वहाँ पर है और इन दोनों को हमने वायर से जोड़ा हुआ है, रेजिस्टर का दूसरा कनेक्शन यहाँ पर है। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को स्टूडेंट्स? तो हमें करना ये है कि ये दोनों जो डायोड्स हैं, जो हमारा फर्स्ट सेट था, एक सेट ये और ये जो दूसरा सेट है, इन दोनों का ये वाला एंड कॉमन, और जहाँ पर ये दोनों डायोड्स के पॉजिटिव आ रहे हैं इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो ये हम कैसे इंश्योर करेंगे, देखिए ये जो हमारा फर्स्ट सेट था ये ऊपर लगा हुआ है, सेकंड सेट आपका ये नीचे लगा हुआ है, ये वो पॉइंट है जहाँ ये दोनों सेट्स कॉमन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी कॉमन है, इसका कोई मसला नहीं है। इस कॉमन वाले पॉइंट से रेजिस्टर निकल रहा है और वो उस पॉइंट पे जा रहा है जहाँ ये दोबारा से कॉमन हो रहा है। अब मैंने यहाँ से एक रेजिस्टर तो निकाल लिया, अब आप देखें कि दोनों का दूसरा वाला जो कॉमन पॉइंट है ना वो ये है, यहाँ से सेटअप स्टार्ट हो रहा है, एक स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ये वाला एक नेटवर्क था और दूसरा नेटवर्क क्या था जो यहाँ से चलते हुए यहाँ जा रहा था। तो दूसरा कॉमन पॉइंट ये था कि ये और ये जो आखिरी वाला है इसको आपस में कॉमन होना था। इसको कॉमन करने के लिए मैंने क्या किया है कि चूंकि एक दूसरे से बहुत फार अवे थे, मैंने इसको वायर के थ्रू कॉमन कर दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे दोनों डायोड्स के पॉजिटिव टर्मिनल को ज्वाइन करना था, तो मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने नेटवर्क पहला यहाँ से बनाया, यहाँ दूसरा नेटवर्क बनाया, यहाँ से यहाँ, अब इस वाले को और इस वाले को यहाँ से वायर के थ्रू, मैंने ग्रे वायर के थ्रू कॉमन कर दिया, ठीक है। दिस इज़ द कनेक्शन, ये रहा। अच्छा, अब ये जो रेजिस्टर है जहाँ पे ये दोनों कॉमन कनेक्शंस थे उन दोनों के बीच में लगना है, तो जहाँ कॉमन कनेक्शन था इन दोनों नेटवर्क्स का, वहाँ से रेजिस्टर का मैंने एक वायर निकाला,
ये रहा, जहाँ पे इस नेटवर्क और नीचे वाले नेटवर्क का कॉमन कनेक्शन था वहाँ रजिस्टर का एक वायर निकाल के मैं इसको रैंडम किसी दूसरे बॉक्स में ले गई हूँ, ठीक है। अब ये वाली चीज़ एक्चुअली में आके शॉर्ट होनी है किससे, इस ग्रे वायर के कनेक्शन से शॉर्ट होनी है, ठीक है। इसको अब हम इसके साथ ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अनदर वायर, ठीक है। तो रजिस्टर का ये वाला जो एग जो कि लेग जो कि फ्री था, मैंने इस वाले को लेके अब इस ग्रे वायर जहाँ पे आ रहा था शॉर्ट करना था। या तो मैं इसको बेसिकली इस वायर से यहाँ शॉर्ट कर दूँ, या मैं इसको यहाँ पर शॉर्ट कर दूँ इस ग्रे पे, इट्स द सेम थिंग, क्योंकि ये वायर पूरी आपस में शॉर्टेड है, ठीक है ना, इट्स द सेम थिंग। अगर कोई एग्जैक्टली मेरे प्रोसीजर से नहीं बना रहा, अपने अंदाजे से बना रहा है, तो वो बिल्कुल सही होगा, कोई गलत नहीं है। लास्ट स्टेप हमारा ये है कि हम रजिस्टर के अक्रॉस ऑसिलोस्कोप की प्रोब को कनेक्ट कर देंगे। वो किस तरह से करेंगे कि रजिस्टर के एक टर्मिनल के ऊपर आप ऑसिलोस्कोप के इस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे। अगले स्टेप पर हम ओके अब हमने रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्शंस कर लिए हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को रजिस्टर के ऊपर लगाया है, नेगेटिव को रजिस्टर के नीचे लगाया है, एंड वी कैन सी दैट दिस इज़ आवर फुल वेव रेक्टिफाइड आउटपुट। इसको मैंने एक दफ़ा ऑटो सेट कर दिया है, और अगेन रिमेंबर कि डीसी के ऑप्शन पे आपका ये मौजूद रहना चाहिए। और अब आपके पास जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं पीक टू पीक की, मीन की, आरएमएस की, वो अब आप नोट कर लेंगे। सो दिस कम्प्लीट्स अवर एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। इन द एंड जो भी रीडिंग्स आपके पास आई हैं वो आप बेसिकली यहाँ लिख सकते हैं। और अब आप दरअसल देखें कि आपने सेंटर वाली लाइन यूज़ नहीं की थी, दोनों कॉर्नर वाली लाइंस यूज़ की हैं। 75 वोल्ट पीक टू पीक इनपुट था, एक पॉजिटिव पीक 35.7 की है, नेगेटिव पीक कोने वालों पे -35.7 की है, तो आपके पास तकरीबन 36.4 वोल्ट जो है वो पीक टू पीक वोल्ट्स का आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब ये क्यों आ रहा है, दरअसल इसको वर्कआउट खुद से करके देखें कि ये क्यों आ रहा है, बेस्ड ऑन द डिटेल्स प्रोवाइडेड इन द प्रीवियस लेक्चर रिगार्डिंग द पीक टू पीक वोल्टेजेस ऑफ द इनपुट वेव फॉर्म एंड द आउटपुट वेव फॉर्म ऑफ द ट्रांसफार्मर।